Hi, hello friends. We are going to paint this landscape today. Just to show you from where I got this reference painting. तो आज एक छोटा सा ही कैनवास बोर्ड के साथ हम लोग ये पेंटिंग सीखते हैं. मैंने आज लिया एक 6x8 साइज का कैनवास बोर्ड एंड काफ़ी सारा ब्रशेस लाइक नाइलॉन ब्रश, देन फ्लैट ब्रशेस, राउंड ब्रशेस और मेरे पास एक हॉग हेयर ब्रश भी है. आप लोग अपने हिसाब से ब्रशेस सिलेक्ट कर सकते हैं. सो मेरा फर्स्ट स्टेप इज पेंटिंग द मोनोक्रोम, दैट इज अंडर पेंटिंग. सो मैं ये मेरे पास दो कलर होता है हमेशा, एक होता है बर्न सेना और अल्टरमेन ब्लू. इसको लेके मैं अंडर पेंटिंग कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि पेंटिंग आगे जाके कैसा होगा. देन आई अप्लाई द अदर कलर्स. So I'm going to show how to achieve the underpainting. तो मैं अभी एक जो कैनवस है उसी के बीच में मैंने एक नाइलॉन का राउंड ब्रश लिया है और उसी के साथ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगी. हॉरिजॉन्टल लाइन काफ़ी हेल्पफुल होता है लैंडस्केप पेंटिंग के टाइम पे, क्योंकि वो दो पार्ट को डिफाइन करते हैं. कलर्स अप्लाई करने में बहुत ही मतलब ईजी होता है हॉरिजॉन्टल लाइन्स की वजह से. तो आप देख पा रहे हैं, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन्स पेंट कर लिया है और उसका जो बाकी हिस्सा है, जैसे क्या बोलते हैं, ये एक मैंने फ्लैट ब्रश लिया है फिर से नायलॉन का, और जैसे ग्रासेस का पार्ट है, जो पानी का पार्ट है, वो बस आइडिया के लिए मैंने अप्लाई कर लिया है. एक मोनोक्रोम पेंटिंग बना लिया है जो कंप्लीट होने के बाद ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आगे जाके पेंटिंग कैसा बनेगा देखने में. ये स्टेप आप ही फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है बिफोर अप्लाइंग द अदर कलर्स. तो हम लोग का जो रेफरेंस पेंटिंग है, आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि जो बेस पेंटिंग है वो रेडी हो गया है. अभी हम लोग स्काई पे जाएंगे डायरेक्टली. तो स्काई के लिए, जैसे कि ये एक सनसेट पेंटिंग है, ज़्यादातर हम लोग को ये ऑरेंज और कैडमियम येलो कलर का यूजेस होता है सनसेट पेंटिंग्स में. तो हम लोग काफ़ी डिफरेंट टाइप का जो सनसेट है, स्काइज है, पेंट कर सकते हैं विद दिस टू कलर्स. तो मैंने बेस में ये कलर अप्लाई कर लिया है जो कि मिक्सचर है कैडमियम येलो और ऑरेंज का. तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ. It will be helpful to learn together. एक बेस कोट बनाने के बाद हम लोग क्लाउड्स बना सकते हैं. फॉर क्लाउड्स इन द सनसेट यू कैन चूज अल्ट्रापेरेंट ब्लू, देन लिटिल बीट ऑफ बर्न सेना, देन लिटिल बीट ऑफ व्हाइट, ऑरेंज और मिक्स येलो मिक्स. ये सब करके आप लोग को देखना है कि क्लाउड्स का जो कलर है वो कैसे अचीव कर सकते हैं. और मैंने साइज 8 का एक राउंड ब्रश लिया है नायलॉन का ब्रश से, उसी को अप्लाई करके मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में क्लाउड्स का पेंटिंग मतलब पैटर्न ड्रॉ करूँगी. वन बाय वन ऐसे ही एक राउंड ब्रश लेके आप सर्कुलर मोशन में अप्लाई करके जो क्लाउड्स का शेप है वो निकाल सकते हैं. आपको देखते जाना है कि कलर्स का वेरिएशन कैसे आते हैं. जैसे कि मैंने जो क्लाउड्स है वहाँ पे एक कोई कोई पोर्शन जो है जहाँ पे डार्कर शेड का इस्तेमाल होता है, और जब जब नीचे आते जाएंगे तब देखिए एक पर्पलिश टोन का इस्तेमाल हो रहा है. एक पर्पलिश टोन जो होता है ये एक सनसेट पेंटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग सनसेट पेंटिंग देखते हैं वहाँ पे एक पर्पलिश टोन का एक शेड मिलता है हम लोग को, जो कि एक सनसेट पेंटिंग को बहुत ही सुंदर बनाते हैं वो पर्पल वाला टोन. तो मैंने ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसके ऊपर भी एक पर्पल का टोन बना दिया है, जो कि हम लोग का जो पेंटिंग है उसका डेप्थ दिखाई देगा वो पर्पल टोन से. सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑल दिस प्रोसीडियर्स, ऑल दिस स्टेप्स, देन आप लोग आप ऐसे ही मतलब एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे आप लोग को और क्या क्या टॉपिक्स आपके आप लोग के साथ मतलब शेयर करना है. तो मैं भी ट्राई करूँगी कि वही सारा टॉपिक्स को लेके मैं सिखा पाऊँ आप लोगों को.
अभी मैं रिवर पे आ रही हूँ, रिवर नहीं, जो पानी का एक हिस्सा दिख रहा है पेंटिंग में, मैं उस पे आ रही हूँ क्योंकि ये इसका पेंटिंग का जो स्काई है, स्काई का रिफ्लेक्शन ये जो पानी का हिस्सा है वहाँ पे भी होगा। तो जैसे कि मैंने एक सन का जो पोर्शन है, सन को मैंने कैडमियम येलो और व्हाइट के साथ पेंट कर लिया है, और उसका नीचे ही, जस्ट नीचे ही मैंने उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पेंट कर लिया उसके साथ साथ ही, क्योंकि वाटर में हम लोग को रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन जो रियलिस्टिक देखना है एक पेंटिंग में, तो रिफ्लेक्शन डालना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो उसके बाद मैंने जो दूर में जो पेड़ वगैरह दिखाई दे रहा है उसको भी मैंने एक अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न सियाना को मिला के एक डार्क कलर को अचीव कर लिया। उसके बाद मैंने इसको जो दूर का प्लांट्स है, पेड़ पौधा जो भी है उसको डिफाइन करने में अच्छा हुआ। उसके बाद हम लोग अभी ग्रास पे आएंगे। ग्रास के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली कोई ग्रीन कलर चूज नहीं किया। सो डार्कर शेड का ग्रीन कलर अचीव करने के लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू और थोड़ा सा कैडमियम येलो को मिक्स कर लिया। उसके बाद मुझे ये वाला ग्रीन कलर अचीव हुआ। फिर उसके बाद जो लाइटर सेक्शन है, क्योंकि ग्रास का लाइटर सेक्शन भी दिखता है हम लोग को पेंटिंग में, तो लाइट कलर का ग्रीन अचीव करने के लिए मैंने कोबल्ट ब्लू और थोड़ा सा कैडमियम येलो को मिक्स किया। और उसके बाद ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को दो कलर का शेड मिल रहा है ग्रश में, जो कि हेल्पफुल होता है पेंटिंग रियलिस्टिक दिखने में। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो बैक साइड में ग्रासेस है, जो अंडर पेंटिंग में ग्रासेस है वो डार्क कलर का है, और जिसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पे जो है लाइट कलर का ग्रीन कलर अचीव हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, एक टोन ब्रशेस, जो कि हम लोग के पास बहुत सारा पड़ा होता है टोन ब्रशेस जो कि यूजलेस हो जाता है, बट उसका भी हम लोग सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं जो ग्रासेस है वहाँ पे काफ़ी सारा ऐसा ग्रासेस है जो दिख रहा है कि इधर उधर है, फैला हुआ है। तो उस टाइप का ग्रासेस हम ऐसा वाला टॉर्न ब्रशेस जो है उसको बिना फेंके उसको सही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं देखिए ऐसे ऑरेंज और वाइट को मिला के फ्लैट ब्रश के साथ उसका रिफ्लेक्शंस, सन का रिफ्लेक्शन, पानी का रिफ्लेक्शन, ये सब जैसे जैसे मैं ऐड करके जा रही हूँ, पेंटिंग काफ़ी सुंदर और रियलिस्टिक लग रहा है, आगे जाके और भी सुंदर लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग जो है नेचर से बहुत सारा हम लोग मतलब रेफरेंसेस हम लोग को मिलता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग को कहीं दूर पे कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे हम लोग को बहुत सारा नेचर में रेफरेंस मिलता है। अब देखिए मैंने एक छोटा सा फिर से वो ही राउंड ब्रश लिया, लेके फिर जो हम लोग को सामने इन फ्रंट ऑफ द पेंटिंग हम लोग को जो ब्रशेस दिख रहा है वो भी हम लोग इसी ब्रश से यूज़ करके, इसी बस ब्रश को यूज़ करके हम लोग वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही सनसेट पेंटिंग आप भी खुद बना सकते हैं यही स्टेप्स फॉलो करके। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सा टॉपिक पे आप लोग को ट्यूटोरियल चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस ट्यूटोरियल्स एंड टैग योर पोस्ट इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ प्रियंका काकोटी आर्ट। यू कैन पोस्ट देयर एंड आई विल रीटैग योर पोस्ट इन माई स्टोरी। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीक विथ वन मोर न्यू ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।